हाई गर्ल्स, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। सो आज मैं आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करने वाली हूँ ओलिविया के लिक्विड फाउंडेशन का। सो इंट्रो वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा ना बनाते हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये है ओलिविया का फाउंडेशन जो कि मैंने लिया था नायका से, अमेजोन फ्लिपकार्ट हर जगह आपको अवेलेबल हो जाएगा। इसका छोटा जार आता है 50 रुपीज़ का, बट ये वाला जो है ये मैंने 100 समथिंग का कुछ लिया था नायका से, तो आप 50 रुपीज़ वाला भी ले सकते हो। ग्लास टाइप की इसकी बॉटल है और इसकी जो क्वांटिटी है वो मुझे नहीं पता। सैटिन फिनिश इसके ऊपर मेंशन है, तो सैटिन फिनिश का मतलब होता है एकदम शाइनी सा, ग्लॉसी सा लुक देगा। मुझे नहीं पता, यहाँ पर ऐसा मेंशन है। और इसकी तारीफ़ अगर मैं यूट्यूब पर देखूँ, मैंने जितने लोगों के रिव्यूज़ देखे भाई, उन्होंने इतनी तारीफ़ की है, उन्होंने इसको जो है बहुत महंगे फाउंडेशन के साथ कंपेयर भी किया। तो मैं एक्चुअली मैं देखना चाहती हूँ कि फाउंडेशन इतना वर्क करता भी है या नहीं। सो मैंने जो इसके अंदर अपना शेड लिया है, मैंने लिया है शेड नंबर 2 नेचुरल ग्लो शेड लिया है। एंड पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है ये शेड ना मेरे स्किन के हिसाब से मुझे थोड़ा सा डार्किश लग रहा है। पता नहीं, शायद मे बी स्किन में ब्लेंड होके ठीक हो जाएगा। यही तरीका होता है फाउंडेशन को ट्राई करने का। इस तरीके से आप कोई भी फाउंडेशन जब ट्राई करो ना, तो यहाँ से आपको नेक तक लाना होता है, उससे आपको अपना स्किन टोन का आइडिया लग जाता है। तो पहले मैं क्या करूँगी, अभी मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है, बालों पे भी लग गया, टोनर अप्लाई कर लिया है, मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लिया है, सनस्क्रीन वगैरह जो भी अप्लाई करना है। तो यहाँ पर मैं पहले प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि अगर फाउंडेशन को अच्छे से हमें चेक करना है तो प्राइमर के साथ ही चेक करेंगे, तभी हमें उसकी पता लगेगी कि कितना ज़्यादा स्टेइंग पावर वगैरह है एंड कितना अच्छे से ब्लेंड होता है। तो यहाँ पर मैं NYB का सिलिकॉन बेस्ड जो प्राइमर है ना, वो यूज़ कर रही हूँ, इसलिए अब हमें पता लगेगा। मैं हैंड्स के बैक पर ले रही हूँ। वैसे मैंने ऐसा सुना है कि ये ना ऑयली स्किन वालों के लिए ज़्यादा अच्छा है। मेरी स्किन ड्राई है एंड काफ़ी ज़्यादा रनी है, देख रहे हो, बहुत ज़्यादा रनी है। तो अच्छा होता है इसके अंदर अगर स्पैचुला इन्होंने दिया होता। अभी क्या है ना, प्रोडक्ट मुझे ऐसे वापस इंसर्ट करना पड़ रहा है, डालना पड़ रहा है, तो जो कि ना अच्छा एक हाइजीन मेंटेन नहीं होता। तो बाकी हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं, 100 रुपये का फाउंडेशन है, तो उससे तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आपको मिल सकता। डॉट डॉट की तरह अप्लाई करेंगे ताकि अच्छे से यू नो ब्लेंड हो जाए। नेक पर भी मैं अप्लाई कर दे रही हूँ। को मैंने वेट करके स्क्वीज कर लिया है और अब हम इससे ब्लेंड करते हैं, तो देखते हैं इसकी ब्लेंडिंग मतलब कैसी है। ऐसा येलोइश अंडरटोन है, पर फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। एक ही लेयर मैंने लगाई है और जैसा कि इन्होंने क्लेम किया था कि इस फाउंडेशन में थोड़ा सा शीन वाला लुक है, शीन मतलब थोड़ा सा शाइन सी, एक विद इन काइंड ऑफ शाइन आपको दिखेगी। सो वो मुझे नज़र आ रही है, मतलब बिल्कुल वैसे ऐसे मैट वाला फिनिश नहीं दे रहा, थोड़ा सा शाइनी वाला फिनिश दे रहा है, क्योंकि मैंने अभी तक कोई पाउडर सेट नहीं किया है। तो उसके अलावा आप देख रहे हो यहाँ पर चीक्स पर मेरे थोड़ी थोड़ी ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कोई हल्का सा हाइलाइटर लगाया, तो ये एक मुझे प्लस पॉइंट लगा। दूसरा मुझे एक थोड़ा सा इसका ड्रॉबैक ये लगा कि जिनकी ड्राई स्किन है ना, तो बहुत जल्दी आपको इसे ब्लेंड करना होगा, क्योंकि अगर आप थोड़ा, मैंने ना हल्का सा इधर की साइड ज़्यादा वक्त दिया ब्लेंडिंग में, इधर जब मैं आई तो फाउंडेशन ना ड्राई होने लग गया था। तो ये फाउंडेशन यानी कि ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है, बट ड्राई स्किन के लिए मैं कहूँगी या तो आप अपनी स्किन केयर बहुत अच्छे से करके इसको अप्लाई करना, मतलब खूब भर भर के मॉइस्चराइज़र लगाना, प्राइमर लगाना, तब इस फाउंडेशन को आप लगाओगे तो अच्छा रिजल्ट देगा। बट अगर आप बिना अच्छा स्किन केयर किए इसको लगाओगे ना, तो बहुत केकी लुक होगा। अदरवाइज़ फाउंडेशन अच्छा है, मतलब इस रेंज में अच्छा लगा मुझे। बट ओवरऑल सारी चीज़ें आप ब्लेंडिंग किस तरीके से करते हो, अगर आप सस्ते फाउंडेशन को भी अच्छे से ब्लेंड करोगे तो उसका लुक अच्छा आता है। तो ये मैंने पूरा अच्छे से ब्लेंड कर लिया, तो आप देख लो ये इसका कुछ इस तरीके का लुक आ रहा है। एक ही लेयर की है मैंने, सेकंड लेयर नहीं की, क्योंकि मैं फाउंडेशन की लेयरिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, मैं सिंगल लेयर ही हमेशा अप्लाई करती हूँ। सो अभी मैं क्या करती हूँ, इसके ऊपर पूरा अपना कंप्लीट मेकअप लुक कर कर आती हूँ और फिर आप लोग को दिखाती हूँ कि इसका एंड रिजल्ट पूरे मेकअप के साथ कैसा लगता है। कि गाइस, तो यहाँ पर हमारा लुक हो गया है कंप्लीट, मतलब बिल्कुल चेंज हो गया ना बिफोर आफ्टर। बात करें तो ओलिविया फाउंडेशन की, तो आप देख लो कुछ इस तरीके का लुक इससे क्रिएट होगा। सो मुझे अच्छा लगा यार, 100 रुपीज़ में मतलब अच्छा फाउंडेशन है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। मीडियम तक की कवरेज है, बहुत हाई कवरेज तो नहीं देता, बट हाँ ये है कि इसको अगर आप ब्लेंड करोगे तो एक बहुत अच्छा शीन वाला लुक आपको मिलेगा। आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मेरी तरफ से ओके है, मुझे अच्छा लगा। आने वाले मेकअप लुक्स में मैं ज़रूर से इसको ट्राई करूँगी, अपने और अच्छे अच्छे लुक्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एंड ये वाला मेकअप लुक के मैंने कैसे क्रिएट किया, इसको सिर्फ मैंने 15 to 20 मिनट्स में कम्प्लीट कर लिया, लाइक मतलब बहुत जल्दी क्विकली होने वाला मेकअप लुक है। किसी भी शादी पार्टी ओकेशन में आप बहुत ईजिली इस लुक को क्रिएट कर सकते हो। सो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया, शायद इसका नेक्स्ट
नेक्स्ट वही वीडियो आपको मिलेगा, तो जरूर चेकआउट करना मेरा रिव्यू ओलिविया फाउंडेशन के ऊपर। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो, वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और ऐसे और क्विक वाले मेकअप लुक्स और प्रोडक्ट रिव्यूज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर से जाइएगा। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट किसी और अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।